आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में राहुल तेवतिया के ताबड़तोड़ छक्के की मदद से लगातार तीसरी जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस मैच में एक समय गुजरात टाइटंस की जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन लगभग हार चुके इस मैच में खास तौर पर कप्तान हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अपने सभी तीनों मैच जीते हैं। बैक टू बैक गुजरात टाइटंस की इस अविश्वसनीय जीत के बाद क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के विजय रथ को रोक पाना अब आईपीएल की किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। आपको बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ साथ जॉनी बेयरस्टो जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी सस्ते में आउट हो गए, जबकि शिखर धवन 35 रन बनाए। पंजाब किंग्स की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने डट कर गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का सामना किया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेलने वाले लिविंगस्टोन एक बार फिर पंजाब किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 7 चौके और 4 शानदार छक्कों की मदद से लिविंगस्टोन 64 रन की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी की वजह से पंजाब किंग्स की टीम मात्र 189 रन ही बना सकी। जवाब में गुजरात टाइटंस की तरफ से बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि गिल अपने शतक में मात्र 4 रन से चूक गए। पारी के आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी। क्रीज पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि पांड्या ताबड़तोड़ छक्के जड़ कर जीत दिला देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान में आया राहुल तेवतिया का तूफान। बैक टू बैक 2 शानदार छक्के लगाकर तेवतिया ने पंजाब किंग्स के खेमे में कोहराम मचा दिया।